पूर्व प्रधान की संपत्ति कुर्क की गई है। डीएम के आदेश पर यह पूरी कार्रवाई जो है वो हुई है। 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को जो नोटिस है लगाया गया है, उसको कुर्क करने की कार्रवाई आ चुकी है। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में घर में मां बेटे की खून से लगभग लाश पड़ी। पुलिस अपनी शुरुआती जांच में मृतकों के किसी पहचान वाले की तरफ से मां बेटे की हत्या किए जाने की आशंका जता रही है। वही पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद मृतक मां बेटे के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटनास्थल की फॉरेंसिक जाँच कराई जा रही है। मां बेटे की लाश में एक साथ पोस्टमार्टम के लिए दोनों को भेजा गया है। पुलिस का शक है कि कोई घर वाला भी है जो इस पूरी घटना में शामिल हो सकता है। बरेली के आंवला थाना क्षेत्र में एटीएम कार्ड में बदमाशों ने दरोगा को गोली मारकर दो मौके से फरार हो गए। वहीं घायल दरोगा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत नाजुक बनी है। बताया जा रहा है कि बदमाशों दो युवक और एक महिला शामिल। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में फिलहाल जुट गई है। बदमाशों ने दरोगा को गोली मारकर एटीएम कार्ड रहे। आरोपियों की तलाश में पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और पूरी तरह से चुट गई की धूम रखी है। बदमाशों ने दरोगा को गोली मारी। बाराबंकी जिले में 4 दिन पहले मेलबंदी को लेकर हुई मारपीट में घायल युवक की मौत। मृतक लखनऊ में पॉलिटेक्निक का छात्र था। 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई। मौत के बाद पुलिस ने मुकदमे में गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ दी है और आगे की कार्रवाई कर मारपीट में घायल युवक की अस्पताल में मौत हुई है। एक की मेलबंदी को लेकर ये कोई मारपीट हुई थी, जिसके बाद मृतक जो है उसकी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मारपीट के लिए अस्पताल मौत हुई। फतेहपुर सदर कोतवाली के ज्वालागंज इलाके में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट के दौरान कई लोगों को गंभीर चोटें भी हुई। वही पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की छानबीन जुट गई। दो पक्षों में ये पूरी मारपीट हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और वीडियो जो इससे पूरी घटना का था वो सोशल मीडिया जमकर वायरल हुआ। दो पक्षों के बीच मारपीट होती है, सोशल मीडिया पर वीडियो इसका वायरल। तो ये पूरी घटना जिसकी आप वीडियो जो है अभी हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, घटना होती है दो पक्षों के लिए जमकर मारपीट। जमकर मारपीट के बाद कोई पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लेता है और वीडियो बनाकर इसको सोशल मीडिया पर डाल देता है और ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। चारों तरफ इस वीडियो को लेकर चर्चा हो रही है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दहेज के लिए पति ने पत्नी की बड़ी हत्या।
पहले बहुत हत्या से पहले पति ने अपनी पत्नी को बहुत टॉर्च किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। तो दहेज हत्या वाले मामला लेकर दर्शाया जा रहा है, जहाँ एक तरफ पूरी कानून व्यवस्था इस चीज को सुधारने में लगी हुई है कि दहेज हत्या के मामले कम से कम सामने न, लेकिन आएंगे इस तरीके के मामले सामने आते हैं जो एक घटना है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मामले में कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। दहेज की पति ने पत्नी की हत्या ये मामला है जो सामने आया और इसके बाद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की। शव सामने है, पूरे हत्याकार को आरोप है उसके पति पर लगा है कि पति ने बड़े ही निर्मम तरीके अपनी पत्नी की हत्या कर दी दहेज का। तो दहेज हत्या का पूरा मामला टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस बेरहमी के साथ एक पत्नी ने दहेज के लायक अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बड़ी ही बेरहमी की हत्या की गई है और विद्वंस जो है वो ब्लर करके पड़ रहे हैं। इसलिए वैसे संवेदनशील भी विद्वंस है इसलिए उनको ब्लर करना पड़ रहा है। पति ने अपनी पत्नी की हत्या कोई गिरफ्तारी नहीं हुई ये तो हमारे जो लापता हुए हैं पुलिस इनको ढूंढने जुट गई। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई। तो पुलिस की इस तरह रिजल्ट देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस जो है पूरी तेजी के साथ उनको ढूंढने में जुट गई है। अपहरण का भी मामला हो सकता है ऐसा आरोप लगाया गया है वरिष्ठ चिकित्सक आगरा के वरिष्ठ चिकित्सक ने और परिजनों ने अपहरण की जो आशंका है वो जताई है। और लापता हुए थे उसके बाद अभी तक पुलिस से कोई भी ठोस सबूत हालांकि नहीं मिला है, लेकिन पूरी तेजी के साथ पुलिस वरिष्ठ चिकित्सक ढूंढने में जुटी है। परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके अपहरण भी हो सकता आशंका जताई जा रही है। अपहरण वरिष्ठ चिकित्सक लापता हुए हैं पुलिस ढूंढ रही है। परिजनों ने कहा है कि वो उनका अपहरण भी हो सकता है। आगरा के थाना निबोला क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में गन्ने की फसल अचानक आग लगी। वहीं आग लगने से किसान की करीब 3 बीघा गन्ने की फसल जल कर रहा। इसी के साथ पीड़ित किसान ने रमेशन खेत में आग लगाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस मामले की छानबीन जुट गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किसान की फसल में आग लगाई गई। जहाँ एक तरफ किसान तमाम अन्य मुद्दों को लेकर परेशान है तो ऐसे में किसान की फसल आग लगा दी। किसान ने आरोप लगाया कि रंजीतन यार आग जो है वो लगाई है। हालांकि क्या मुआवजेगा कुछ अभी तक ऐलान हुआ है इस पर कोई जानकारी जो है वो अभी किसान ने नहीं लाई है। किसान ने कहा है कि रंजीतन आग लगाई गई है और उस आग लगने के कारण किसान को हजारों रुपए नुकसान। जाहिर कर किसानों की हालत पहले से इतनी खस्ताहाल नजर आती है तो ऐसे में ये घटना कहीं ना कहीं मन को व्यथित करती है। किसान की जो फसल उसमें आग लगाई गई स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किसान बता रहा है कि रंजितम फसल में आग लगाई गई है जिससे उसको हजारों रुपए का नुकसान हुआ। और
सावित्री ने मां ने ममता को संस्कार किया। गंगा चुकिया मार्ग पर स्थित जंगल में तीन महीने के बाद एक नवजात को झोले में रखकर फेंक दिया। वही अपने पति काम के पत्नी के साथ गंगा गए बगल गांव निवासी ने तीन महीने के पास बच्चे को रोते देखा। उन्होंने इस बच्चे को कोच से बताया। ये पूरा मामला तस्वीर आपके स्क्रीन पर। मां ने नवजात बच्चे को फेंका नाले के पास। रास्ते से वहां से निकल रहे थे, उन्होंने जब ये कुछ देखा, उनको वहां पर एक नवजात बच्चा मिला। उन्होंने बच्चे को कलयुग में लगा दिया, उसको अपराध किया। तो कलयुग में इस तरह के जो वाक्य सामने आते हैं, तो उनको कलयुगी माँ ही कहा जाता है। राम सिंह यादव जिन्होंने इस नवजात बच्चे को वहां से देखा, उठाया और अब उनको गोद ले लिया। राम सिंह यादव इन स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई। तो ये एक अलग तरह का मामला है। ऐसे मामला सामने निकल कर आते हैं कि एक माँ नवजात बच्चे नाले के पास, ये अपने आप में एक अलग मामला। कलयुगी माँ कहा जाए, कलयुगी माँ ने नवजात को इनका ऐसा कहा गया। और जो शख्स है राम सिंह यादव, इन्होंने बच्चे को अपना लिया और इस बच्चे को राम सिंह यादव ने गोद लिया। रामसूरत यादव ने बच्चे को गोद ले लिया, उनको नाले के पास ये बच्चा मिला था। आपको बता दें कि ये उनकी माँ थी, उन्होंने नवजात बच्चे केन नाले के पास फेंक दिया। जब केन नाले के पास ये बच्चा पड़ा हुआ था, वहां से रामसूरत यादव एक शख्स जो निकलते थे, उनको ये बच्चा पड़ा नहीं था और वो उसको ये कहीं के पास। तो माँ की ममता की जो हम बात करते हैं, तो ऐसी खबर जब निकल के सामने आती है, तो ऐसी खबरें कहीं ना कहीं जिसको बहुत अधिक शर्मसार करती है। एक माँ अपने बच्चे के नाले के पास, एक नाला है जिसके पास एक माँ अपने बच्चे को फेंक जाए, और ऐसे में शख्स राम सूरत यादव उस बच्चे को गोद, राम सूरत यादव ने बच्चे को गोद दे दिया है। फिलहाल इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है, इसकी जानकारी किसी का प्रस्ताव नहीं। चोरी के बाद चोरों ने चुनौती देते हैं पकड़ सकते हो तो पकड़, वही पुलिस चोरों की तलाश की। घटना की मालूम पड़ती है, चोर दुकान जाते चोरी करते, चोरी के बाद पुलिस को खुली चुनौती देती पकड़ सको तो पकड़। और पुलिस के बाद अभी भी हमारी संकिसा में फरखाबाद मामला वहां का है पूरा। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दुकान विशाल ज्वेलर्स, वहां पर ये पूरी घटना हुई। चोरों ने वहां से कहा था कि आप सारा सामान चला, उसके बाद पुलिस चुनौती दे गए कि पकड़ सकते हो तो पकड़। कहीं ना कहीं ये पूरी खेलती है उत्तर प्रदेश पुलिस की बदमाश जो धन कितने देखा, चोर दुनिया को कितने देखा, और पूरा मामला फिल्मी स्टार ने चोरी का। चोर आते हैं, चोरी करते हैं, बाहर नोटिस का लगा कर चले जाते हैं, लिख कर चले जाते हैं कि देखो पुलिस पकड़ सकते हो तो पकड़। पुलिस के लिए शर्मिंदगी की बात है कि चोरों के हौसले इतने बुलंद थे कि वो सीधे सीधे पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। मथुरा के कोतवाली इलाके की पुलिस चौकी के बिजपुरी कस्बा पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्ष सजा और पत्थरबाज, जिससे कई लोग घायल हुए। वही इस पूरे मामले में घटना में जहाँ कई लोग घायल हुए हैं, अभी तक क्या कुछ तस्वीरें आगे कुछ निकल के सामने आई है वो सबको सामने नहीं आया है। दो पक्षों में पूरा ये जो विवाद था वो हुआ, घटना घटी और यहाँ पर पत्थरबाजी की घटना होती है। दो पक्षों में पूरा विवाद, पुलिस मौके पर रही, घटना हुई, विवाद हुआ, काफी संख्या में लोग जुड़े। आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं काफी संख्या इस वक्त लोग मौजूद आए। वहां पर जब घटना हुई पूरा विवाद था, पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी के बाद कई लोग इस पूरे मामले में घायल हुए। पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई करी इस पर कोई जानकारी लेकर सामने नहीं आई है, लेकिन लोगों के बीच जो पूरी पत्थरबाजी हुई इसका जो वीडियो वो भी सामने है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पत्थरबाजी के बाद कई पूरा मामला है। जब पुलिस वहां पहुंचती है मौके का मुआयना करती है और देखती है कि क्या वहां पर पैसे तो लेन देन को लेकर ये पूरा झगड़ा और पत्थरबाजी हुई जिसमें कई लोग घायल बनाए गए हैं।
वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और अब फिलहाल कार्रवाई शुरू की। पूरा मामला लड़ाई झगड़े का पूरा मामला था। कई लोग घायलों को पुलिस ने मौके जब पूरी घटना हो जाती है उसके बाद पुलिस सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाती है और अब फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जो घटना के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं, जब वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई, भीड़ इकट्ठा हुई, पुलिस भी वहां पहुंचती है, जो तमाम घायल लोग थे उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है और अब फिलहाल जानकारी ये आ रही है कि पुलिस छानबीन में जुटी। पीलीभीत के पूरनपुर कैंटीन क्षेत्र में कोटेदार के पति संतोष अपने विद्यालय के बच्चे कोटे पर राशन लेने गए। कोटेदार को 2 किलो राशन कम देने पर जब छात्र छात्राओं ने इसका विरोध किया तो कोटेदार के पति ने उनकी पिटाई कर दी, जिस पर छात्र छात्राओं ने पूरनपुर तहसील में पहुंच कर एसडीएम राजेंद्र प्रसाद को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। ये पूरा मामला जहाँ बच्चे छात्र छात्राएं पहुंचते हैं अपने कोटे का राशन मांगते हैं तो दबंग कोटेदार उनकी पिटाई कर देता है। पूरा मामला आ रहा है, लेकिन ये गौर करने वाली बात है कि अपना हक मांगने अपने कोटे का शासन मांगने पर छात्राओं के साथ इस कदर बर्बरता उनकी पिटाई करी। दबंग कोटेदार ने के जो पति उन्होंने छात्राओं की पिटाई कर दी, छात्राओं की पिटाई जब हुई उसके बाद अब वो कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं। लगातार वो छात्रा उनके पास सामने आ रहे हैं, साथ ही छात्रा उन्होंने कहा है कि दबंग कोटेदार पर कार्रवाई की जानी है, तो वो लगातार दबंग कोटेदार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दबंग कोटेदार जो पति वो उनका भी नाम है, उन पर भी पिटाई का मामला बनता है, ऐसा उनके छात्राओं का कहना है। पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सड़क तालाब में तब्दील हो गई, जिसके चलते आवागमन भी बाधित हो रहा है। वही भारी बारिश से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मानसून आते ही इस तरह की तस्वीरें हर साल सामने आ जाती है, आवागमन बाधित है, कई जगहों पर पानी भर गया। तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि किस स्तर पर किस लेवल तक पानी भरा हुआ है। हर साल की ही तस्वीरें, हर साल मानसून आता है, पहले बारिश होती है, उसके बाद खबरों इस तरह की तस्वीरें आना शुरू हो जाती है। पानी सड़कों पर एक लेवल तक भर जाता है, जहां पर गाड़ियों का चलना, बाइकों का चलना, बताया ऑटो का चलना, हर तरह के जो वाहन उनका चलना मुश्किल हो जाता है। सामने टीवी स्क्रीन आप देख सकते हैं, स्कूटी चाल गिरा हुआ है पानी के अंदर, लेकिन ये तस्वीर हर साल क्यों निकल कर सामने आती है, इसका पहले एल्टीमेट सोल्यूशन जान सकता है, उस पर कोई बात नहीं होती, लेकिन हर साल इस तरह की खबरें आपको देखने को मिलती है। बुलेटिन में इतना ही, बाकी दिन से दिन की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ चैनल के साथ। आपको भी सुनवाते हैं केजरीवाल ने उत्तराखंड और गोवा की जनता से क्या वादे किए हैं। जैसे दिल्ली